हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास है TVS Apache RTR 162 भी VS6 FI वाली वेरिएंट है। अगर यहाँ पे देखें तो यह इसका कंप्लीट थ्रोटल बॉडी वाला एरिया है। यहाँ पे इसका थ्रोटल बॉडी लगाया गया है और कंप्लीट इसके हेड का काम किया गया क्योंकि इसके वाल्व हो गए थे लीकेज। सबसे पहले अगर यहाँ पे दिखाया जाए तो देख पा रहे इसका वाल्व काफी ज्यादा रस्ट पार्टिकल इसके अंदर भरा हुआ है क्योंकि ये लीक कर गया था और ब्लैक स्मोक दे रही थी गाड़ी। तो इसके वाल्व रिप्लेसमेंट कर लिया गया है, इसके हेड को भी असेंबल कर लिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में कि ये टाइमिंग कैसे लेना है, क्योंकि BS6 की गाड़ी है, पूरी कंप्लीट चेंज है। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा कि सीखने लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी क्योंकि FI वाली वेरियंट है, BS6 वाली वेरियंट है। तो चलिए सबसे पहले इसके मैग्नेट सेट आपको बताते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टीथ बने हुए हैं, कहां से इसके टाइमिंग लेना है और कैसे बाइक को स्टार्ट करना है कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। उससे पहले आपको छोटा सा अपडेट देना चाहते हैं इसके बदलाव के बारे में। तो यहां पे अगर इसके हेड के वॉल में अगर देखें, इसके रोकर आर्म में, तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी सी एक स्प्रिंग लगी हुई देखने को मिलेगी जो पहले इसके अंदर नहीं आता था। तो चलिए सबसे पहले इसका टाइमिंग लेते हैं और गाड़ी को किस तरह से टाइमिंग लेने के बाद स्टार्ट किया जाता है उसके बारे में बताएंगे, तो एंड तक बने रहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैग्नेट साइड के सारे बोल्ट को ओपन कर लिए क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग चेन की रिप्लेसमेंट करना है। तो चलिए इसके कंप्लीट मैग्नेट साइड को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं क्या क्या है इसके अंदर खास बदलाव इस BS6 की गाड़ी में। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट टाइम खुल रहा है, कंपनी फिटेड है इसलिए थोड़ा सा टफ होता है। तो देख पा रहे हैं इसको निकाल चुके हैं, यहाँ पे इसका सेल्फ का वन वे होता है। तो चलिए इसकी टाइमिंग टॉप पे लेके दिखाते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं सारे चीजों को फिटिंग कर लिया गया और यहाँ पे जब इसके टाइमिंग के टी को इस वाले मार्क से मिलाते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक टीथ जो है आउट है। तो यही मेन रीजन बनता है, जब आप गाड़ी का मिस टाइमिंग कर देते हो तो वाल्व के जो बेंड होने के चांसेस ज्यादातर बढ़ जाते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने इसको टॉप पे लिया है तो चलिए उसी हिसाब से थोड़ा सा इस वाले टाइमिंग को कैमशाफ्ट से थोड़ा सा नीचे करके डाउन करके आपको दिखाते हैं परफेक्ट टाइमिंग, उसके बाद फाइनल फिटिंग करेंगे। और बदलाव की अगर बात किया जाए तो काफी चीजें बदल दिया गया। अगर यहां पे देखें तो इसका कंप्लीट लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल रिप्लेसमेंट है, साथ ही साथ पिकअप कॉइल का भी रिप्लेसमेंट कर दिया गया है और कंप्लीट बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो रिप्लेसमेंट कर दिया गया। तो अभी मेन बात करें इसके टाइमिंग चेन और इसके हेड के फिटमेंट की, तो चलिए इसे हम फिटिंग करते हैं और गाड़ी का फाइनल आपको साउंड सुनाते हैं। तो अब चलिए इसके सेल्फ के कंप्लीट असेंबली को अटैच कर देते हैं। तो यहां पे इसका ये सेल्फ ड्राइव पिनियन जाएगा और इसके बैक साइड पे जो पहले पत्ती आता था उसे अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया और इसके ऊपर एक इस तरह से बूस्ट जाएगा। अब चलिए इसको हम फिटमेंट कर लेते हैं मैग्नेट सेट। मैग्नेट सेट फिटिंग करने से पहले कोशिश करें इसके कंप्लीट हेड के ऊपरले सरफेस को लगा दें ताकि टाइमिंग में कहीं से मिसमैचिंग ना हो। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले फेस को लगाते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इसके अंदर एनाबोंड का प्रॉपर तरीके से उपयोग कर लिया। अब चलिए इसके फिटमेंट कर लेते हैं अच्छी तरह से। उससे पहले ये देख लें कि रोकर आर्म का बूस्ट इसके हॉल से तो निकला हुआ नहीं है, बट यहाँ पे सारे हॉल क्लियर हैं। अब चलिए इसको डायरेक्टली असेंबल करते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा एनाबोंड का उपयोग करें ताकि ऑयल का हेड में ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से हो सके। अब चलिए इसके सारे बोल्ट को टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। तो ये जो चार बोल्ट होते हैं तांबे के वॉशर के साथ, ये इम्पोर्टेंट बोल्ट होते हैं, ये हमारे चारों बोल्ट अंदर जाएंगे इस जगह पे। तो उसके बाद साइड साइड में आपके अलग अलग अदर बोल्ट रहेंगे। तो सारे बोल्ट यहाँ पे फंसा चुके हैं और याद रखें जब भी टाइट करें अपोजिट बा अपोजिट टाइट करें ताकि कहीं से लीकेज का इशू ना हो। तो चलिए 10mm के स्पिनर की मदद से इसे फुल्ली टाइट कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों इसके हेड के कैप को कम्प्लीटली असेंबल कर दिए हैं। अब एंड टाइम में इसकी बारी आती है टाइफिट एडजस्टमेंट की। तो देख पा रहे हैं काफी ज्यादा प्ले है, ये प्ले होने का जो मेन रीजन है इसके अंदर जो आपको बताएं कि पतली स्प्रिंग लगी हुई है, उस स्प्रिंग की वजह से ये प्ले दिखता है। तो चलिए दोनों को हम कम्प्लीट एडजस्टमेंट करते हैं और इसके फिलर गेज की मदद से एडजस्टमेंट करें। और इसका चार्ट अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करें, इसका कम्प्लीट PDF मिल जाएगा। 0 to 0 कितना mm रखना है इसका, कम्प्लीट इंटेक साइड, कम्प्लीट एग्जॉस्ट साइड, दोनों साइड के आपको जो है डायग्राम PDF के थ्रू से आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसके हम टाइफिट के एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, आपको एग्जॉस्ट साइड भी सुना देते हैं। तो ये इसका एग्जॉस्ट वाला एरिया और ये भी देखें तो काफी ज्यादा लूज है, चलिए इसको हम टाइट करते हैं। तो आप बारी बची है सिर्फ के सिर्फ इसके जो है टाइफिट एडजस्टमेंट का। तो चलिए इसके मैग्नेट साइड को जो ओपन किए हैं इसे लगा लेते हैं और इन सभी पे हम एनाबोंड या रेजीबोंड का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि पैकिंग हमारा एकदम बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको हम असेंबल कर लेते हैं।
का पूरा मैग्नेटिक सिस्टम लगा होता है तो अपने और खींचने की कोशिश करता है। देखिए परफेक्टली लग गया। अब सारे के सारे जो इसके बोल्ट हैं सेम साइज के, कहीं पे भी कहीं का असेंबल कर सकते हैं। तो चलिए सारे बोल्ट को टाइट कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल आपको गाड़ी का साउंड सुनाते हैं कि किस तरह से साउंड आता है इसके हेड का कंप्लीट काम होने के बाद। वैसे भी इसमें किसी चीज़ का इशू नहीं था, तो इसके अंदर सिर्फ ब्लैक स्मोक आ रहा था, वाल्व की रिप्लेसमेंट, टाइमिंग चेन की रिप्लेसमेंट और गाइड की रिप्लेसमेंट। तो चलिए इसे हम फुल्ली टाइट कर लेते हैं। अब इसके जो टाइमिंग चेन टेंशनर है इसको यहाँ पे असेंबल कर देंगे। और इसके दो 10mm के बोल्ट हैं, चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, इसके जो है कंप्लीट फिटमेंट करने के बाद इसके जो है फिर से हेड को ओपन करना पड़ा। क्यों ओपन करना पड़ा? क्योंकि रॉन्ग टाइमिंग की वजह से, देख पा रहे हैं टाइमिंग इसका परफेक्टली पहले नहीं मिलाया गया था, जिसके रीजन से वाल पूरी तरह से बेंड हो चुका था। अब फिर भी गाड़ी का टाइमिंग जो है नहीं मिलने के बाद फिर से मैंने टाइमिंग लिया, और जब गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की गई उसके बाद देख रहे हैं इसके अंदर कंप्रेशर एक जरा सा नहीं है। तो दोस्तों आपके साथ हम क्या है कि सच्चाई शेयर करते हैं। इन फ्यूचर कभी भी आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आप मेरी वीडियो से आप हेल्पफुल जानकारियां ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है टाइफिट का भी उतना ज्यादा क्लियरन आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले इसलिए मिल रहा था क्योंकि इसके वाल पहले बेंड हो चुके थे, क्योंकि मैंने गाड़ी का जब फिटिंग हो गया था उसके बाद आए थे जब इसके सिर्फ टाइमिंग लेने के लिए, तो गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब इसके अंदर फिर से नया वाल्व असेंबल किए हैं, अभी फिटमेंट किए हैं। अब चलिए इसके टाइफिट जो हल्का सा इसको एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद फाइनल आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे। इससे पहले स्टार्ट करने की कोशिश की गई बट स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके पूरी तरह से वाल्व बेंड पड़ गए थे। तो चलिए आप टाइफिट को क्लियर करते हैं और उसके बाद कंप्रेशर भी आपको टेस्ट करेंगे और गाड़ी को डायरेक्ट स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो मैकेनिक दोस्तों, पहले क्या था कि इसके अंदर अभी तो किक नहीं है, जब इसके अंदर कंप्रेसर को चेकआउट करना है कैसे करना उसके बारे में बताते हैं। पहले जब इसको असेंबल किए थे उस वक्त इसके यहाँ पे कंप्रेसर एक जरा सा भी देखने को नहीं मिल रहा था। हम भी कंफ्यूज होंगे कि नया इंजन जब असेंबल किया गया है तो कंप्रेसर क्यों नहीं बता रही गाड़ी, बट क्या हो गया था उस वक्त इसके वाल्व बेंड हो गए थे पहले। अब क्या है कि इसके अंदर नया वाल्व असेंबल कर दिए हैं। अब आपको सेल्फ को यूज करके दिखाते हैं, अब इसके अंदर कंप्रेसर बहुत अच्छा बन रहा है, अब गाड़ी भी स्टार्ट होगी। सेल्फ दबाओ छोटू, दबा छोड़ दो। अब देख पा रहे हैं इसने, आप सुन पा रहे हो कि प्रॉपर तरीके से अब इसके अंदर कंबर्शन बन रहा है। अब गाड़ी हमारी आसानी से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि टाइमिंग भी परफेक्ट ले ली है, कंबर्शन भी प्रॉपर है। अब गाड़ी स्टार्ट होने में कोई इश्यू नहीं होगा। और आप देखिए टाइफिट भी एक जरा सा भी प्ले नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइफिट इसलिए उतना ज्यादा पहले प्ले था सिर्फ कि सिर्फ इसके जो है वाल बेंड होके छोटे पड़ गए थे, इसलिए टेढ़ा हो जाने के रीजन से यहाँ पे इसका टाइफिट लूज था। अब चलिए इसके कैप को कंप्लीट लगा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम दिखा देते हैं का साउंड भी सुना देंगे कि टाइफिट एडजस्टमेंट करने के बाद, टाइमिंग लेने के बाद साउंड BS6 की प्रॉपर निकलती है या नहीं। तो चलिए दोनों कैप को लगाते हैं और गाड़ी को फाइनल एक टच में स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों सारे चीज़ों को असेंबल कर दिए, फ्यूल टैंक लगा दिए, अभी पाइपलाइन वगैरह असेंबल नहीं किए हैं क्योंकि गाड़ी बहुत टाइम से स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रही है। वाल्व भी रिप्लेसमेंट किया है, वाल्व भी बेंड कर दिया गया है। अब आपको गाड़ी को फाइनल स्टार्ट करके दिखाते हैं कि गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है या नहीं। तो अभी जैसे इग्निशन ऑन किए हैं, यहाँ पे चेक इंजन लाइट है। चेक इंजन लाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट खुले हुए थे, जैसे ऑटो सेंसर और इसके थ्रोटल बॉडी को भी खोला गया था। अब गाड़ी को कंप्लीट कर चुके हैं, अब गाड़ी का सेल्फ यूज करते हैं। तो देख पा रहे हैं गाड़ी हमारी एक सेल्फ में स्टार्ट है। किसी भी चीज़ का साउंड नहीं, ना टाइमिंग चेन, ना टाइफिट, किसी भी चीज़ का नहीं। आपको सुनाई दे रहा होगा किसी भी इरिटेटिंग साउंड नहीं है, ना टाइफिट का, ना टाइमिंग चेन का, एकदम प्रॉपरली वर्क कर रही गाड़ी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सीखने लायक मिला हो कि जब भी आप इन सभी BS6 गाड़ियों का इंजन फिटमेंट करें टाइमिंग एकदम परफेक्ट लें, वरना आपको भी भारी नुकसान पड़ सकता है, आपका भी वाल्व वगैरह बेंड हो सकता है। टाइफिट के एडजस्टमेंट मैंने बता दिया है, टाइमिंग लेने का तरीका बता दिया, गाड़ी को फाइनल स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।